Okay, afternoon gentlemen and ladies, and time again for JEE NEET. Work energy and power चल रहा था. Last time तक हमने elastic potential energy, mechanical energy वगैरह किया. आज है power का दिन. So as my man rightly says, what is power? तो what is absolutely power? तो power की बात कर रहे हैं. The rate at which work is done. Is power. रेट आ गया मतलब टाइम आ गया अपॉन टाइम. सो पावर इन अ वेरी सिंपल इक्वेशन इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. सो पी एवरेज पावर यू कैन कॉल इट इज वर्क अपॉन टाइम. एंड डेरिवेशन में भी हमने इसको देखा था कि अगर यू नो यू हैव लाइक डेल्टा डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क, इफ डेल्टा डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क is done in time delta t, then average power as is usual delta w by delta t, and instantaneous power taking limit delta t tending to zero, instantaneous power p is dw by dt. Well, ye equation khas kar un situation mein work karta hai जहां पे वर्क डन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम. सो वर्क इज एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड यू डिफरेंशिएट वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम यू गेट पावर. द एसआई यूनिट ऑफ पावर, अच्छा पावर इज अ स्केलर एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर सेकेंड और बेटर नोन एज वॉट. दूसरे अच्छे अच्छे यूनिट भी है. 1 kilowatt इज 1000 watt एंड 1 megawatt. पावर प्लांट्स वगैरह जो होते हैं ना वो मेगावाट में होते हैं. ओके okay? फिर अपना वही हरि प्रसाद या हॉर्स पावर एचपी 1 हरि प्रसाद. ओकी डोकी. अच्छा भले हमारे बोर्ड में डिस्कशंस यहां पे खत्म हो जाया करता था ज्यादा कुछ. अच्छा एक और चीज थी, वर्क की जगह हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा देते थे एंड एज अ रिजल्ट हमको वर्क का पावर का एक और इक्वेशन मिलता था. पी is F bar dot V bar. So this was also an equation for power. ये चार equation के अलावा कुछ नहीं था. पर अब जो हम कराने जाएंगे JEE NEET में कुछ और चीजें भी हैं जो ज्यादा जरूरी हैं. So you will have a look. I am taking this off now. Okay. इसको मैं tips में लगाऊंगा. And इन equationों के जरिए ही ये tips बनी हैं. So it is imperative that we have a look. Tips. First, number one, can you see power is dw by dt? So, the slope of work versus time ka graph gives us the power at that point. So, the slope of the work versus time graph gives us power. दूसरा, कैन यू सी वर्क इज पावर इनटू डीटी? सो द एरिया अंडर द पावर वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस द नेट वर्क डन. वाह मस्त. अच्छा तीसरी बात, अभी एफिशिएंसी की बात चली है. एफिशिएंसी क्या बोर्ड में ऐसा कोई एफिशिएंसी वाला सम था? एक आध सम था ना एफिशिएंसी का. एफिशिएंसी इज आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर एंड इफ यू वांट इट इन परसेंटेज यू मल्टीप्लाई दिस बाय 100. ओके इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया जिसको यूज करेंगे. एफिशिएंसी इज आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100. अ वेरी सिंपल आइडिया वुड बी सपोज तुम्हारा मशीन के ऊपर लिखा हुआ है 100 वॉट. पावर ऑफ द मशीन इज 100 वॉट. बट अगर मशीन की एफिशिएंसी, यू नो नथिंग कैन बी 100% एफिशिएंट. अगर लिखा है मशीन की एफिशिएंसी है 70%, इसका मतलब है वो कितना पावर अपने को देगा? 70 वॉट. मशीन के ऊपर लिखा है 100 वॉट, पर अगर उसकी एफिशिएंसी 70% है तो इट विल डिलीवर ओनली 70 वॉट पावर आउटपुट.
ओके, सो दिस इज द आइडिया ऑफ एफिशिएंसी। तो इसको यूज करते हुए आई थिंक हमें आगे बढ़ना है, एंड अच्छा मैं इसको भी उड़ा दूं, और कोई टिप मेरे माइंड में पावर की नहीं, वी आर ऑल गुड। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स है, याद रखना। मैं करने जा रहा हूं अब भाई अरिहंत की मास्टर रिसोर्स बुक में से सम शुरू हो रहे ले। पहला सम है एसपी 18। आई होप आप अपनी बुक्स खोल रहे ले कि नहीं खोल रहे ले। एसपी 18 इट सेज सैंड ड्रॉप्स वर्टिकली एट द रेट ऑफ 2 kg per second। सो दिस इज मास अपॉन टाइम, 2 kg per second ऑन अ कन्वेयर बेल्ट मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.1 meter per second। ओके, द एक्स्ट्रा पावर रिक्वायर्ड टू कीप द बेल्ट मूविंग इज, भाई कैसे कीजिएगा, पावर चाहिए, पता है कि नहीं है पावर, फोर्स इनटू वेलोसिटी, बराबर है। एंड फोर्स क्या होता है जी, फोर्स क्या होता है, माँ होती है बेटा, बराबर। ए व्हाट इज एक्सीलरेशन, इजंट इट वेलोसिटी अपॉन टाइम, वाह। तो एम बाय टी इंटू वी का स्क्वायर, जॉन क्या हो जाएगा, एम बाय टी कितना है 2, एंड वेलोसिटी कितनी है श्रीमान, 0.1 का स्क्वायर, भाई 0.1 का स्क्वायर इज हाउ मच, वांदा नहीं मत बताओ, 0.01। तो कितना पावर चाहिए, 0.02 watt। कैन यू चेक दैट आंसर, इजी पीजी जापानीजी। अच्छा अब एक बहुत बढ़िया सम है, एग्जाम्पल नंबर 15 बोलता है ये मस्त मस्त। मशीन गन फायर्स 360 bullets per minute, एन 360 bullets per minute। सबसे पहले इसको पर सेकेंड में कन्वर्ट करें, तो 360 bullets अपॉन, एक मिनट कितनी सेकेंड होती है श्रीमान, 60 seconds। सो 360 by 60 इज हाउ मच, 6। खतरनाक पावर है बुलेट मशीन गन का, भाई नजदीक मत आ जाना। सो 360 bullets per minute विद अ वेलोसिटी ऑफ 600 meter per second। ओके, इफ द पावर ऑफ द गन, पावर 5.4 kilowatt, मतलब 5400 watt है, तो क्या चाहिए उनको, मास ऑफ ईच बुलेट। चलो भाई ये बंधन तो प्यार का बंधन है, मैं नहीं कर रहा हूं, बताओ आप मेरे को कैसे करेंगे, अरे कुछ तो बोलो यार, कैसे करें, कुछ आइडिया है किस तरह शुरू किया जाए। पावर दिया हुआ है, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, एंड बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इज व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। ये एक बुलेट का है, तो एन बुलेट्स का कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एन, सो दिस इज हाफ एम एन वी स्क्वायर बाय टी, दिस इज पावर। सो मुझे एन चाहिए, एम चाहिए, सो 2p, और टाइम तो 1 second ही है, ओवर एन इंटू वी स्क्वायर, सो 2 into 5 400, ओवर एन कितना है 6 bullets, एंड वेलोसिटी 600, 600 का स्क्वायर इज 36 into 10 raised to 4, सो वील कट दिस 2 zeros, ये 10 raised to 2 बचा, 6 9s are 54, एंड 9 2s are 18, दिस इज 1/2 into 10 raised to -2, या 0.5 into 10 raised to -2, मेकिंग द आंसर 5 into 10 raised to -3 kg, विच इज 5 gram, बराबर। सो यहां पे हर एक बुलेट का मास हमको दिया हुआ, फाइंड करना है m, हर एक बुलेट की वेलोसिटी है v, और n बुलेट्स है, तो टोटल वर्क डन इज हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एन। ऑलराइट, सो दिस वाज द आइडिया ऑफ यूजिंग पावर इज वर्क अपॉन टाइम का। यूटिलाइजिंग दिस एस्पेक्ट आई एम गोइंग ऑन टू SP20। Are you looking at SP20 first thing? मैं इसको उड़ा रहा हूं, आई एम गोइंग ऑन टू SP20।
सॉरी पुली पुली, ये सम बहुत सारे एस्पेक्ट में लॉज ऑफ मोशन का सम लगता है, बट लेट मी अश्योर यू दैट इज नॉट द केस. वी कैन ऑल्सो डू इट विद लॉज ऑफ मोशन आइडिया, पर क्योंकि चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, तो हमको इसको करना है यूजिंग द आइडिया ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर. ओके, सो टू ब्लॉक्स है, ये ए है 1 kg और ये बी है 2 kg. उन्होंने एक्चुअली लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं नीचे. इन द फिगर शोन द स्ट्रिंग इज लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल एंड फ्रिक्शन इज एबसेंट एवरीवेयर. द स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स आफ्टर ब्लॉक ए हैज असेंडेड अ हाइट ऑफ 1 m इज हाउ मच. एम ए इज 1 kg, एम बी इज 2 kg. अच्छा, नाउ व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको लॉज ऑफ मोशन यूज करके करना है, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, बराबर है. 2 kg वाला ब्लॉक नीचे आएगा, 1 kg वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा. एक्सिलरेशन फाइंड कर सकते हैं, एंड वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज 2ax करके, एक्स कितना है 1 m, इनिशियल स्पीड 0, आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं. बट दिस इज नॉट लॉज ऑफ मोशन, दिस इज वर्क एनर्जी एंड पावर. तो सर वर्क एनर्जी एंड पावर में क्या यूज करूं मैं? क्या आप एक बात अग्री करते हैं कि इस पूरे सिचुएशन में ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं है? बराबर, इसमें ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं है. सो अब क्या होगा, कंजर्वेटिव सिचुएशन है ये. नाउ डू यू अग्री, सपोज ये रेफरेंस लाइन है, ए वाला ऊपर जाएगा, ए वाला ऊपर जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी तो उस इस दूसरों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दूसरों की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, बरोबर. कहीं एक कमी हुई तो दूसरे में बढ़ोतरी होनी चाहिए. सो द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी बी प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए और बी. ये सब कुछ कहां से आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी चेंज ए में से. ए का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ तो बी का बढ़ा और साथ में काइनेटिक एनर्जी बढ़ी. तो व्हाट इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए? यू नो एमजीएच, तो एम ए इंटू जी इंटू एच. अगर ये 1 m ऊपर जाता है तो बी 1 m नीचे आएगा, तो एम बी इंटू जी इंटू एच. एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बी? हाफ एम ए वी स्क्वायर प्लस हाफ, दोनों का वेलोसिटी तो सेम ही होगा ना, जितनी वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा उतनी वेलोसिटी से ये नीचे आएगा. सिंपल बात है कि नहीं, है ना? अबे सिंपल बात है कि नहीं? हाँ, ओके. ए ऊपर जा रहा है तो बी नीचे आ रहा है ना, तो ये बी नीचे आएगा भाई, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी होगा ना. हाँ, बी की कम हुई, ए की बढ़ी. हाँ, एम बी इंटू जी इंटू एच, एम ए इंटू जी इंटू एच. चलो भाई फटाफट, एम बी कितना है? 2 kg. जी कितना है? 10. एच कितना है? 1. एम ए कितना है? 1. जी कितना है? 10. एच कितना है? 1 हाफ. ए का मास कितना? 1. एंड बी का मास कितना? जी. सपोज ये रेफरेंस लेवल है, बराबर. अगर कोई बॉडी इससे ऊपर जाता है, रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0. जीरो पहलवाने. और अगर यहां से रेफरेंस लेवल से कोई ऊपर जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी. और अगर रेफरेंस लेवल से कोई नीचे जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी. ठीक है, तो बी की घटी, जिसकी वजह से सारा घटना हुआ, जिसकी वजह से सारी घटना घटी, अगर कोई कहीं नहीं जाता
तो सबकी एनर्जियां सेम रहती, कोई चेंज नहीं होता। पर क्योंकि बी की पोटेंशियल एनर्जी घटी तो ए की बढ़ी, और सिर्फ पोटेंशियल में डिक्रीज नहीं हुआ है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुई दोनों की। सो दोनों में काइनेटिक एनर्जी भी तो आई, तो वो काइनेटिक एनर्जी यहां आई। ये सब कुछ हुआ है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी की वजह से। ओके पीके, वेरी गुड। तो अब आंसर भी फाइंड कर ही दो। 2 10s are 20, 10 1s are 10, और हाफ वी स्क्वायर प्लस 1 v स्क्वायर कितना होगा? हाफ वी स्क्वायर प्लस 1 v स्क्वायर 3/2। 20 माइनस 10 10 इज 3/2 into v स्क्वायर, तो 20/3। भाई हाउ मच इज 20/3? 6.66। हाँ निकालना तो पड़ेगा, कितना रूट होता है निकालो। 6.66 का 2 point something, 2.5, 2.6 के आसपास आंसर होना चाहिए। लेट अस सी, है आंसर देख लिया? नहीं, एक रफ एस्टिमेट लगाओ। उन्होंने ऑप्शंस में क्या क्या आंसर दिए हुए हैं? उन्होंने अपने को ऑप्शंस में क्या क्या आंसर दिए हुए वो चेक कर सकते हैं। हाँ वो ठीक है, पर अरे पर कौन सा नंबर है यार? कहाँ है SP20? अच्छा, हाँ तो हाँ 238 मिला मिला। सो 2 मीटर पर सेकेंड है, 3 मीटर पर सेकेंड है, 2.58 है, 3.58 है। अब तेरे 2.6 के पास कौन सा ऑप्शन सेट होता है तू बता मेरे से। एक सेकेंड, ये 666 है, मतलब 6.66, विच इज करीबन करीबन 6.25 से थोड़ा ज्यादा। और 6.25 का रूट क्या होता है? 2.5। तो 2.5 से थोड़ा ज्यादा है तो मैंने 2.6 ले लिया, और 2.6 लेने के बाद मैंने चारों ऑप्शन में देखा तो एक में 2 था, एक में 3 था, एक में 2.58 था, एक में 3.58 था। तो मेरा सबसे नजदीकी कंक्लूजन कौन सा है? 2.6, 2.58। दिव्या बात समझ में आई है ना? हाँ हो गया राउंडिंग ये वो। ओके अच्छा, ये उड़ा देता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। एक अलग चीज दिखाना चाहता हूं आपको। यू नो पेंडुलम दिखाना चाहता हूं। हमने एक न्यूमेरिकल में बोर्ड में ये देखा था चीज। सो सपोज ये पेंडुलम है, ओके लेट अस कॉल दिस पॉइंट ए। ये है रेफरेंस लेवल। ये पेंडुलम कहीं यहां से छोड़ा जाता है, लेट अस कॉल दिस पॉइंट सी। पॉइंट सी से छोड़ा जाता है, पॉइंट सी पे इसके पास कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल। और जैसे मैंने इसको छोड़ा, टिक 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 करके यहां आया, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? जीरो। यहां पे इसके पास कौन सी एनर्जी बची? काइनेटिक। सो एट पोजीशन सी ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इज जीरो, एंड एट पॉइंट ए कैन एनीवन कंप्लीट द स्टेटमेंट व्हाट इज जीरो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, इट हैज गॉट ओनली काइनेटिक एनर्जी। सो सबसे पहली बात, डू यू अग्री, इसमें भी सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है और कोई फोर्स नहीं है। सो दिस इज अ कंजर्वेटिव आइडिया, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट पॉइंट ए। भाई पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी इजंट इट काइनेटिक प्लस पोटेंशियल? एंड ये है,
ये रेफरेंस लेवल है. तो हाउ मच इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए? जीरो. एंड काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम वी ए स्क्वायर, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. अच्छा, एट पॉइंट सी, ई सी के सी प्लस वी सी, हम जानना चाह रहे हैं कि सी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है. मैं कैसे पता चलेगा ये? ये है सबसे बड़ी बात. जो दिखाना चाह रहा हूं वो ये है, बाकी तो तुमको पता ही है. सॉरी, पूरी नहीं है ना लोचा, ये है पूरी नहीं है. ये पॉइंट सी रेफरेंस लेवल से कितना ऊंचा है? सपोज मैं इसको ओ नाम दूं और इसको सी डैश नाम दूं. डू यू अग्री? सबसे पहले डू यू अग्री ए सी डैश इज द हाइट ऑफ पॉइंट सी अबव द रेफरेंस लेवल? डज एवरीवन अग्री विथ मी? इधर से ये कितना ऊंचा है? तो इतना ऊंचा है ए सी डैश. तो मुझे ए सी डैश चाहिए. मेरे पास एओ है एल, एओ है एल, और ए सी डैश अगर मुझे चाहिए तो मुझे इतना पता होना चाहिए ना, इतना कितना है. ये एल दिख रहा है, ये थीटा दिख रहा है भाई. जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस. सो इजंट दिस एल कॉस थीटा दिस मच? यस और नो? से नो, से नो. किसी को शक? ये कैसे एल कॉस थीटा हो गया सर? ये थीटा है, ये ओ, ये सी डैश, ये सी, ये पूरा है एल. भाई हाउ मच इज कॉस थीटा? इजंट इट एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज? सो ओ सी डैश इजंट इट ओ सी कॉस थीटा विच इज एल कॉस थीटा. एंड मैंने तो कंपोनेंट लेके किया, ये एल है, ये थीटा, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, एल कॉस थीटा आ गए हो. सो यहां से क्या मुझे कोई ए सी डैश बता सकता है हाइट ऑफ पॉइंट सी अबव द रेफरेंस लेवल, जिसको हम एच कह रहे हैं, इज एक्चुअली ए सी डैश विच इज एओ, विच इज एक्चुअली एओ एओ माइनस ओ सी डैश. भाई हाउ मच इज एओ? एओ तो एल है. एंड हाउ मच इज ओ सी डैश? एल कॉस थीटा. सो इजंट द हाइट एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा, देयरफॉर एनर्जी एट सी इज हाउ मच? के सी कितना है? जीरो. एंड वी सी कितना है? एम जी एच. और एच कितना? वो रॉक एंड रोल भाई, रॉक एंड रोल. बोल बेबी बोल, पनीर टिक्का रोल. बराबर है ये. एनर्जी एट ए हाफ एम वी ए स्क्वायर एंड एनर्जी एट सी. अगर तुम बोलोगे सर तो हमने जो न्यूमेरिकल किया था उसमें, याद है वो जो टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल था, उसमें थीटा वगैरह कुछ नहीं था, उसमें यहां से छोड़ा गया था. तो बहुत इजीली हमको पता चल गया कि कितनी हाइट ये है अबव द रेफरेंस लेवल. तो एल वो तो बहुत आसान था. तो यहां पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कितनी? एम जी एल. और यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ एम वी ए स्क्वायर. दैट वाज इजी पीजी जापान इजी. पर अगर ये इस तरह ना रखा हो और इस तरह रखा हो जिसमें इट इज नॉट मेकिंग टोटल लेंथ एल विद द रेफरेंस लेवल, तो ये आइडिया इस्तेमाल करना. बराबर है ये एल. अच्छा, थोड़ा और कमीनापन ट्राई करूं, एक और कमीनापन करूं मैं. ओके, आर यू रेडी? मैं इसको लाल में बनाता हूं. लाल मोहे रंग दो लाल.
लेट्स कॉल दिस बी। सर आप यार कमीनेपन से कमीनेपन पे उतर रहे हो यार, भाई क्या करें, आपको जो सिखाया मैंने उसका मेरे को समझ में तो आना चाहिए ना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा सी पे बॉडी के पास क्या थी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। ए पे क्या थी, ओनली काइनेटिक। बी पे क्या होगी, दोनों होगी। अरे दोनों होगी, के ई भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। कोई तुमसे पूछे मेरे को काइनेटिक एनर्जी एट बी ला के दो, क्या करोगे तुम? प्लीज ऐसा मत बोलना। हाँ यस समबडी सेइंग समथिंग। अब मेरे को नहीं मालूम तू जो बोलेगी, वो तो काइनेटिक एनर्जी है ही पुत्र, पर ओरिजिनल ये था ये, और अब ये कितना होगा, एल कॉस थीटा डैश। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले कितनी हाइट है बी की अबव द रेफरेंस लेवल, तूने पोटेंशियल एनर्जी बी फाइंड करने की कोशिश की, हाउ मच इज हाइट बी अबव द रेफरेंस लेवल, इजेंट इट एल माइनस एल कॉस थीटा डैश, वही कह रही थी तू? ए भाई ये एल कॉस थीटा डैश पूरा इतना है। हाँ मुझे पता था कि तुझे पता चल जाएगा। सो कोई भी सिचुएशन आपको दी हो तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम जी इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा डैश। किसी को इसमें कोई डाउट? या सर टोटल एनर्जी एट बी का इक्वेशन लिखे सर, आप बोलो लिखूं क्या? टोटल एनर्जी एट बी लिख दो है, तू मेहनत करवाएगा मुझसे। सो एट पॉइंट बी, और फिर तुम चाहे इसके साथ इक्वेट कर लो या इसके साथ इक्वेट कर लो, जैसी भी मन मर्जी। सॉरी ई बी इज के बी प्लस वी बी, के बी इज हाफ एम वी बी स्क्वायर एंड वी बी इज एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा डैश। इज दिस एब्सोल्यूटली एक्सेप्टेबल, कोई शक? अच्छा इसके ऊपर बेस्ड एक सम करने जा रहा हूं, एक्चुअली आपको देने जा रहा हूं कि आप करो। आ हा हा राउंड वन का 55 नंबर पेशे खिदमत, राउंड वन का 55, आप बोलो तो ये सब कुछ उड़ा दूं मैं, आप बोलो उड़ा दे, वाह उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं सर, आप उड़ा ही दो बस। ओके डायग्राम भी आएगा इसका, आई होप यू ओपन्ड अप बाय मास्टर रिसोर्स बुक अरिहंत की डीबी सिंह के द्वारा, और राउंड वन का 55 हमारे स्क्रीन पे। सॉरी बेटा मैंने अब तक सम देखा नहीं है, अब तेरे साथ देख रहा हूं मैं। अ सिंपल पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम पोजीशन ए एज शोन, अच्छा ये है पोजीशन ए, चलो अच्छा है और छोड़ दिया गया है, एंड मास एम है, लेंथ एल है बॉब का और लेंथ इसकी। द गेन इन काइनेटिक एनर्जी एट बी, ये सी है अपना एंड ये यहां पे आया बी। ओके लेट अस कॉल दिस ओ, दिस इज एल, और कुछ एंगल बिंगल भी दिया है, किधर है 30 डिग्री। चलो भाई ना मिली है द गेन इन काइनेटिक एनर्जी एट बी, गेन एब्सोल्यूटली सर, भाई सिंपल है एकदम सिंपल बात, ए पे कौन सी एनर्जी होगी उसकी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट ए कितनी है, जीरो।
यहां पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी एट बी भी होगी। इसको लेना होता तो ओनली के सी होता, वी सी जीरो होता, पर अपने को इसको लेने का नहीं है, अपने को ये रेफरेंस लेवल लेने का है। थोड़ा ऊपर ले लो इसको ताकि कुछ करने में मजा आए। अरे हाँ सर, अरे हाँ सर। तो भाई चलो मैं करूं, मैं नहीं कर रहा हूं यार, मैं सीरियसली नहीं कर रहा हूं। हाँ एक ही बंदा ट्राई करेगा, और कोई है? एट ए, मैं आपको हिंट दे देता हूं, ई ए इज के ए प्लस वी ए, तो के ए तो जीरो है, वी ए कितना है, इजंट इट एम जी एल, मास बड़ा है। एंड एट बी ई बी इज के बी प्लस वी बी, भाई यू विल बी टेम्प्टेड टू पुट के बी एज हाफ एम वी बी स्क्वायर, पर उसकी जरूरत नहीं है, उन्होंने काइनेटिक एनर्जी एट बी ही मांगा है, बराबर। सो देयर इज नो बिग इशू, के बी को के बी ही रखो। अब वी बी, हाउ हाई इज बी फ्रॉम द रेफरेंस लेवल, इजंट इट ओ बी डैश एम जी इंटू ओ बी डैश। भाई क्या मुझे करना होगा सर? मैं सर आप ही कर लो ना सर। हाँ सर भाई करना तो पड़ेगा ना, नहीं तो लोग बोलेंगे जरा सर करते ही नहीं है, वो करेंगे नहीं तो हम। भाई सो ओ बी डैश इजंट इट ओ सी माइनस अपने, ए सॉरी ओ बी डैश नहीं लिया, बी डैश सी। तुम भी है ना कमाल करते हो। हाउ हाई इज बी फ्रॉम द रेफरेंस लेवल, इजंट इट बी डैश सी, तुम भी है ना, मुझे हाउ हाई फाइंड करना है बी डैश सी। तो बी डैश सी इज हाउ मच, ओ सी माइनस ओ बी डैश, एंड ओ सी कितना है एल, ओ बी डैश एल कॉस 30। तो अब मुझे लगता है कि मैं नहीं करूंगा सर। क्यों नहीं करोगे सर? क्योंकि ये मैं अब आप पे छोड़ूंगा, इक्वेट वन एंड टू करें और मुझे के बी ला के दे। चलो जल्दी वन एंड इक्वेट वन एंड टू कहा था मैंने, तो ये इज ई बी, तो ये कितना है एम जी एल, बाकी कुछ नहीं, के बी प्लस एम जी एल। ए भाई खोल दो ना जरा, ओ एम जी एल, एम जी एल कट, तो के बी ये माइनस एम जी एल कॉस थीटा, कॉस बी नहीं है कॉस 30 है, एम जी एल कॉस 30। भाई आंसर यहां पे लिखेंगे भाई, दो स्टेप में चेक एंड मेट हो गया जी, एम जी एल एंड कॉस 30 कितना होता है रूट 3/2। बोलो जी बोलो, ये राज खोलो। यस सर, कि कौन सी मिस्टेक हो गई आपकी? सर मैंने ना वो एम जी एल इज इक्वल टू के बी प्लस एम जी एल इनटू वन माइनस कॉस 30, फिर के बी इज इक्वल टू एम जी एल इनटू वन माइनस कॉस 30 अपॉन एम जी एल, फिर एम जी एल कर देंगे, पता नहीं क्या 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 होगा। पीके तेरा आशीर्वाद कि क्या तूने मैथ्स की तो लूट ली। पीके तू मैथ्स है कि बायो है? अरे राम, हरे कृष्ण, हरे परमात्मा। भाई किस बात की उतावल है, किस कहाँ पहुंचने का है, क्या कोई राह देख रहा है तुम्हारी प्लेटफॉर्म पे? नहीं ना। हाँ अमृत, अबे रुक जा, वो गलत है, उसको चेंज कीजिए। हाँ गलत है जी, गलत ना, गलत है कि भी बताओ के गलत है। हाँ भाई अमृत क्या हुआ, कहाँ लफड़ा हुआ आपका, मतलब सॉल्विंग में? सर वो MGL cos 30 डिग्री में। अरे 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 धीरे धीरे से, मस्त धीरे धीरे सॉल्व करने का, इतना मस्त समय है। ओके भाई नया शुरू करूं, आगे बढ़ूं? सर चलिए ना वो
खोला ही नहीं था, ब्रैकेट ही नहीं खोला था, इसीलिए मैं तो बहुत स्टडी लेके भूल गया था सर, फिर बाद में आ गया। चलो अच्छा ओके, मैं उड़ा रहा हूँ इसको पूरे को। ओके नया सम शुरू कर रहे हैं, और ये भी एक बहुत ही अच्छा सम है, ऐसे बुरे सम तो एक भी नहीं है कोई बुरा सम होता नहीं होता। सर एक बार ऑसिलेटर वाला करा सर। कौन से ऑसिलेटर वाला? वही पेंडुलम वाला। अबे कितने पैदा करूं मैं, दूसरे भी खड़े हैं लाइन में, दूसरे नंबर भी खड़े, अगर दूसरा ऑसिलेटर वाला आएगा ना तो लूंगा, है ना भाई। राउंड वन का 72। ओके व्हाट डज इट से? अ 10 मीटर लॉन्ग चेन। अच्छा लेंथ है चेन की 10 मीटर, एंड मास डेंसिटी, वाह मास पर यूनिट लेंथ कितना है, 0.8 केजी पर मीटर, इज हैंगिंग फ्रीली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। मतलब ये रिजिड सपोर्ट है 0.0, और यहां से ये चेन है, चेन कुले की, मेन कुले की चेन, ओके ये लटक रही है, ओके 10 मीटर की चेन है, ओके। इफ जी इज 10 देन पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द चेन अप टू द पॉइंट ऑफ रिजिड सपोर्ट इन 10 सेकेंड्स इज पावर चाहिए। सर किस तरह करेंगे? ये पूरा 10 मीटर है, हाँ तो सबसे पहली बात मास फाइंड करते हैं। वी नो लीनियर मास डेंसिटी, हमारा पाला इसके साथ भी पड़ा हुआ है, लैम्डा इज टोटल मास अपॉन लेंथ विच इज एम बाय एल, तो यहां से अपने को मास मिल जाएगा। सो मास एम इजंट इट लैम्डा इंटू एल, लैम्डा है मेरे पास 0.8 इंटू लेंथ कितनी है बाबा 10, सो 0.8 इंटू 10 8 केजी की चेन है। अब तुम नॉर्मली यही सोचोगे सर पावर इज वर्क अपॉन टाइम एंड इसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, तो दिस इज एम जी एच बाई टी, सिंपल एम जी एच बाई टी। एंड तुम मास को 8 किलो लगाओगे, जी को 10 लगाओगे, उन्होंने बोला जी को 10 लगाना, एच को क्या लगाओगे? अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हर बंदा दिव्य जैसा सोचेगा, बट अब एक छोटी बात मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। ओके सपोज ये कोई बॉडी लटक रहा है, इधर से इधर तक का डिस्टेंस है एक्स, तुमको ये पूरा ऊपर उठाने का है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इस बॉडी को एक्स जी, बात वही है कितना डिस्टेंस करना पड़ेगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट यू टू सी हियर इज ये पूरे स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, और ये जो पॉइंट है ना ये है उसका सेंटर ऑफ मास। सो ओ से लेकर ए तक हम हमेशा जब भी लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास लेते हैं। सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एक्स। सो हमको इसको अगर मैं पूरा उठाऊं तो मुझे इसके सेंटर ऑफ मास को, बॉडी के सेंटर ऑफ मास को कितना डिस्टेंस उठाना पड़ेगा एक्स। इस पूरी चेन का सेंटर ऑफ मास कहां है? बीच में, कितने डिस्टेंस पे? 5 मीटर। तो जब मैं पूरी चेन उठाऊंगा तो सेंटर ऑफ मास, मुझे चेन को वापस यहां तक लाना है, सो सेंटर ऑफ मास कहां से कहां तक गया? यहां से यहां तक। सो हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ मास? 5 मीटर। सो हमेशा ये याद रखना, दिस एच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ मास, या हाइट ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ मास। सो वेयर एच, आई विल राइट हियर, वेयर एच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ मास ऑफ द चेन।
कितना है, इजंट इट एल बाई टू, बट ऑफ कोर्स एल बाई टू मतलब 10 बाई टू विच इज 5, सो एच इज 10 बाई टू एंड नाउ आई थिंक इट इज एज गुड एज इट गेट्स. मास है 8 किलो, जी है 10 एंड कितना हाइट ट्रेवल किया है 5 बाय टाइम कितना है 10, बिल्कुल 40 कुत्ते बिल्ली वॉट वॉट. सो दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया दैट आई वॉन्टेड टू शो यू, कि जब भी तुम कोई पूरी चीज उठाते हो तब तुम यहां से एंड पॉइंट तक नहीं गिनते, तुम गिनते हो कि सेंटर ऑफ मास से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट फैक्ट कि सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस लेने का है. पूरी चेन को उठाना है तो सेंटर ऑफ मास को इस पॉइंट से कहां तक ले आओगे, इस पॉइंट तक. सो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सेंटर ऑफ मास ने, 5 मीटर, पूरा का पूरा 10 नहीं गिनोगे. ओके, तुम हमेशा वो पॉइंट देखोगे जहां उसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है. वो ब्लॉक में भी आप वही देखते थे ना, सेंटर बराबर सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस देखते थे, वही देखना होता. सो दिस इज राउंड वन का 72. अब मैं देख रहा हूं राउंड वन का 73. लेट्स गो टू राउंड वन का 73 जल्दी जल्दी. आज मुझे खत्म करना है कोई भी हाल में, लेट अस सी होता है कि नहीं. 73, अच्छा क्या कहता है 73. ओके, अ 10 हॉर्स पावर मोटर पंप. ओके, पावर इज 10 हॉरी प्रसाद. भाई 1 हॉरी प्रसाद 746 वॉट, 7460 बिल्कुल सही जवाब. एक पंप्स आउट वाटर फ्रॉम अ वेल 20 मीटर डेप्थ, 20 मीटर एंड फॉल्स इनटू अ टैंक ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 22380 लीटर एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. द रनिंग टाइम ऑफ द मोटर टू फिल द एंटायर एम्प्टी वाटर टैंक इज, जी को 10 लेना है. सर ये क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा है. ओके, ये ग्राउंड लेवल है और कुआं, ये कुआं है, यहां पानी है, कितना नीचे है कुआं बरोबर, यहां से ये पंप है, यहां से चढ़ा के तुम 10 मीटर ऊपर ले जाना चाहते हो, टंकी है, ये टंकी है, तुम्हारे घर पे भी होता है ना ये मोटर, हाँ पानी भरे का पड़ी, और ये टंकी कितना ऊपर है 10 मीटर. तो एक पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा, पानी ने यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, वेरी गुड. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर इज इक्वल टू 20 मीटर प्लस 10 मीटर विच इज, आपको अंदाजा है ना, पंप को सिर्फ पानी को अगर यहां से यहां तक लाना होता तो सिर्फ 20 मीटर ट्रेवल करवाना होता, बट यहां से यहां तक लाने के साथ साथ उसको यहां से ऊपर भी लेके जाना है. सो 20 मीटर प्लस 10 मीटर बोले तो 30 मीटर हाइट कवर करवानी है अपने को पंप के द्वारा पानी को. ओके नाउ, सो पावर, पावर वर्क अपॉन टाइम एंड वर्क इज व्हाट, एम जी एच अपॉन टी. सर मास नहीं दिया हुआ है, एच तो मिल गया. ओके okay. अच्छा ऐसा है, तो डू यू अग्री मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. अच्छा सर पर वॉल्यूम भी यूजुअली मीटर क्यूब में होता है, वो इस बार लीटर में है. अच्छा मुझे कहीं लिखना पड़ेगा आपके लिए, 1 लीटर इज 10^-3 मीटर क्यूब. ओके सो आई थिंक वी आर गुड नाउ. मुझे क्या चाहिए, टाइम, और टाइम मेरे पास नहीं है. चलो फिर 22380 इंटू 10^-3, जी कितना बोलता है, 10 ही बोलता है. ओके हाइट 30
अपॉन तुम्हारा पावर 7460। ओके एक जीरो उड़ा देता हूँ, 10^3 और -3 उड़ा देता हूँ। 746 और 2238 7 3s are 746 3s are देख तो कितना होता है, 3 6s are 18 3 4s are 12 1 13। वाह 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 क्या बात है, वाह नहीं था बेटा। 3 × 10 30 × 30 900 सेकेंड। पर ऑप्शन में देखोगे आंसर मिनट वा में है, तो अपॉन 60 और ये आंसर मिनट, तो ढीच ढीच एंड 6 6 6 15 15 मिनट। भाई पिछवाड़े में आंसर गलत है, पिछवाड़े में उन्होंने 5 मिनट दिया है वो गलत है, उन्होंने यहां से यहां तक का ही लिया, नीचे से खींचने में पावर को कुछ नहीं करना पड़ता पंप को, ऐसा सोचते वो लोग, नीचे से उनका चचा खींचेगा ऊपर, भगवान भरोसे मिल जाता। सो 15 मिनट है आंसर, काइंडली चेक करें। आगे बढ़ रहे हम, कोई शक इसमें, मैं पूरा डायग्राम बना करके चकाचक बना दिया पूरा। राउंड वन का 78 भी, हाँ वो एम की जगह वो थ्री वी कैसा है, एम की जगह थ्री वी, अबे थ्री वी नहीं है रो वी है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और पानी का डेंसिटी 10^3000 केजी पर मीटर क्यूब। क्या हुआ नेटवर्क इश्यू, अच्छा बाहर जाऊंगा कहाँ जाऊंगा, अरे क्यों अंदर बार कर रहा है, थक जाएगा अंदर बार, अरे अंदर बार करते थक जाएगा तू, रहन देना भाई वैसे स्टेमिना कम है। डैम इज सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 550 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, ओके ये सी लेवल है, ये डैम है, हाँ हाँ नर्मदा डैम, कितने हाइट पे है 550, और वहां से पानी सप्लाई करे है किसको, पावर हाउस को, अरे साबरमती पावर हाउस, कितना है पावर हाउस 50 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है। 2000 किलो पानी चलता है, कहा गया 2000 kg ऑफ वाटर पासेस थ्रू द टर्बाइन्स पर सेकेंड, सो मास अपॉन टाइम है पर सेकेंड, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट पीओ ऑफ द पावर हाउस इफ द होल सिस्टम इज 80% एफिशिएंट, हे राम 80% मतलब 0.8। ओके भाई सबसे पहली बात, हाउ मच इज द पावर इनपुट, भाई सर इनपुट पावर, पावर इज वर्क अपॉन टाइम विच इज एम जी एच अपॉन टाइम, ये मास अपॉन टाइम है मेरे पास, ये रहा 2000 जी है अपने पास। ओके सर हाइट कितनी होगी, भाई पानी को कितना हाइट कवर करना होगा, 550 माइनस 50 500 सर, मतलब थैंक यू तू नहीं होता तो क्या होता, 2000 × 10 × 500, हे राम 1 2 3 4 5 6 6 0 एंड 5 2s are 10, सो 10 × 10^6 वॉट या 10 मेगावाट। नाउ एफिशिएंसी ईटा इज पो बाय पाई इंटू 100, छोड़ना इंटू 100 ठीक है यार चल ना बरोबर, 0.8 ऑलरेडी कर दिया ना, 0.8 इज पो बाय पाई, ए मेरे पास पाई है, पाई है कितना है 10 मेग, सो 10 × 0.8 देखो तो 8 मेगावाट, इज दैट एन अग्रीएबल आंसर, यस सर 8 मेगावाट परफेक्ट। अच्छा राउंड वन का 83 कितना मिनट बचा है मेरे पास, है मेरे पास 1 2 3 4 समय। अच्छा इससे पहले कि मैं कुछ करूं, मेरे को यहां है ना राउंड टू का 52 कर देना है सर, क्यों कर देना है, क्योंकि यहां हो जाएगा, ये छोटा सा है एकदम मुन्ना सा है नन्ना सा है प्यारा सा है, 4i cap + j cap - 2k cap
एंड वेलोसिटी दी हुआ है 2i कैप + 2j कैप + 3k कैप मीटर पर सेकेंड, ये फोर्स न्यूटन में। तुमको क्या चाहिए? पावर। सर पावर चाहिए भाई। पावर डू यू नो इज एफ बार, एफ बार डॉट वी बार। डॉट प्रोडक्ट तो तुमको आता ही है, i कैप डॉट j कैप इज k कैप डॉट k कैप इज 1 एंड i कैप डॉट j कैप इज k कैप डॉट k कैप इज 0। एंड अगर तुम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो इट इज axbx + ayby + azbz। तो एफ बार डॉट वी बार का fxvx + fyvy + fzvz। आई वॉन्ट दिस आंसर राइट नाउ। ये 8 मेगावाट को हटा करके जगह क्लियर करेंगे। 8 मेगावाट को यहीं डाल देता हूं भाई, मेरे को 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर चाहिए। तेरा तो कब का आ चुका है बेटा, मैं तब तक इसको उड़ा देता हूं। बाकी बताओ मेरे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम रंग रंगीला आंसर है भाई, इसमें गलती मत कर बैठना। हो गया? ओके। सबसे पहली बात, मैं आप चाहते हो कि मैं करूं? सर कर दो। 4 × 2 + 1 × 2 - -2 × 3, सो दिस इज 8 + 2 = 10 - 6। 10 - 6 = 4। वॉट? इज दिस अग्रीएबल 4 वॉट? ओ पीछे गधे हैं, है ना? ओके नहीं सर, आ गया आ गया, अच्छी बात। तो मैं इसको उड़ा रहा हूं। और कौन सा नंबर लिखा था? सर लिखा ही नहीं था कुछ आपने अभी तक। ओके तो मैं लिख रहा हूं राउंड वन का 83, राउंड वन का 83 क्वार्टर हॉर्स पावर भाई। क्वार्टर मतलब 1/4 हॉर्स पावर भाई। 1/4 हॉर्स पावर का मतलब समझते हो ना? 1/4 = 746। Runs at a speed of 600 rpm, 600 revolutions per minute. Okay, assuming 40% efficiency, eta is 0.4. The work done by the motor in one rotation, work in one rotation. भाई अपने को उसके लिए टाइम चाहिए होगा, तो टाइम कैसे मिलेगा सर? टाइम सर 600 रेवोल्यूशन पर मिनट, सो इन वन मिनट कितने रेवोल्यूशन हो रहे? 600 रेवोल्यूशन। सो इन हाउ मेनी मिनट, लेट अस कॉल इट टाइम टी, 1 रेवोल्यूशन होगा। चलो भाई, सो टी इंटू 600 इज 1, तो टी इज 1/600 ऑफ मिनट। तो अगर सेकंड में करें तो 60 ठीक है। तुम चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, इन 60 सेकंड देर आर दिस, सो इन हाउ मेनी सेकेंड, बराबर ना? सो यहां पे 60 आ जाएगा, सो 60/600 सेकेंड, 1/10 ऑफ ए सेकेंड। पर रेन देना, अभी तक ऐसे रेन दे उसको, बराबर। तुझे वर्क डन चाहिए, सो अच्छा सबसे पहले आउटपुट पावर, ये तो इनपुट है। नाउ एफिशिएंसी ईटा इज पो बाय पाई, सो हाउ मच इज पो? इजंट इट ईटा इनटू पाई? ईटा 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 कितना है? 0.4। तो देने दे, तू देने दे उसको। 0.4/4 मतलब 0.1, 0.1 इंटू 746। क्यों घबरा रहा है? पो मिल गया। नाउ ऑल्सो आप तो जानते ही है, पो इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो वर्क इज पीओ इंटू टी, इट्स नॉट पॉट। 74.6 इंटू टाइम कितना है? 1/10 भाई। 74.6/10 7.46 भाई, चेक तो कर जरा।
7.46 जूल है क्या भला? सही है सही है। अच्छा राउंड टू का 55 करूंगा, राउंड टू का 55 करेगा, इधर करेगा राउंड टू का 55 55 क्या कहता है राउंड टू का 55 एंड इंजिन 55 है राउंड टू का 55 एंड इंजिन पंप्स वाटर थ्रू अ होस पाइप, वाटर पासिस थ्रू द पाइप एंड लीव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 meters per second ओके द मास पर यूनिट जी लैम्ब्रा अरे मास पर यूनिट लेंथ एम अपॉन एल is 100 kg per meter okay what is the power of the engine okay power of the engine chahiye kaise karenge sab power karo bilkul karo why not waqt ye sakht hone laga hai main aapko 1 minute de sakta hu okay सो पावर चाहिए, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी एंड यहां पे मैं वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम वाला ले रहा हूं, मोमेंटम अपॉन टाइम इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज व्हाट एम वी ओवर टी इनटू वी। अच्छा इजंट मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये वेलोसिटी 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 स्क्वायर कर दिया, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन टाइम एंड वॉल्यूम इज एरिया इन टू लेंथ अपॉन टाइम। डू यू हैव एनी आइडिया वॉट लेंथ अपॉन टाइम इज? ओ इज दैट ट्रू? सो पावर पी शांति से रो ए इन टू वी स्क्वेर तो रो ए वी क्यूब। सर अब न डेंसिटी तो हो सकती है शायद पर एरिया नहीं है। अच्छा भाई डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ। वाह क्या बात है क्या बात है, एम बाय एल है मेरे पास 100 एंड वेलोसिटी भी है मेरे पास 2 का क्यूब 2 to the 4 to the 8 इनटू 100 ए बाय 800 8000 नहीं है मैंने मास को यहां डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लगाया ताकि लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी मिल जाए मुझे, और फिर यहां पे रो ए नहीं था मेरे पास तो रो को मास अपॉन वॉल्यूम लगा के यहां पे एम बाय एल ले आया, एम बाय एल मेरे पास है 100 तो मैंने यहां पे उसको वर्कआउट कर दिया। इज दिस ओके? ओके ओके मैं लास्ट सम कर रहा हूं, आई थिंक आई विल डू राउंड 1 का 88, इट्स अ लवली सम एंड मेरे पास लास्ट की 3 मिनट बाकी है एंड मैं राउंड 1 का 88 कंप्लीट करूंगा ही। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सम क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ ऐसा यूज करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह यूज होगा। ओके व्हाट डज इट से? अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस आर सच दैट इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी इज हाउ मच? के स्क्वेयर आर टी स्क्वायर। सही है, के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। ओके मुझे पावर चाहिए। ओके ओके नाउ सबसे पहले डू यू नो द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? ओके ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाह ये कौन है जो टैंटी आ रहा है टी 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 के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन यहां से मुझे वेलोसिटी मिली के टी आर, इस वेलोसिटी को मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना तो मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी इज डी वी बाय डी टी। सर तो क्या सब केस में होता है? नहीं, आपने देखा यहां वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम एंड रेडियस इसलिए होता है। सो डी बाय डी टी ऑफ के टी आर, तो इसमें से टी कांस्टेंट आ जाएगा
So tangential acceleration at is kr. तो सर अब क्या करेंगे? सबसे पहली बात, डू यू अग्री यहां पे कोई भी बॉडी सर्क्यूलर पाथ में घूम रहा है? कैन यू सी देर आर टू थिंग्स हियर, देर आर टू फोर्सेस. वन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी विच इज एम इन टू ए सी, एंड अदर इज दिस टेंजेंशियल फोर्स एफ टी विच इज एम इन टू ए टी. सो टेंजेंशियल फोर्स, अच्छा बॉडी की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? सपोज ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पे वेलोसिटी कैसी होती है? बराबर. सो इफ यू आर लुकिंग केयरफुली, कैन यू सी, यू नो पावर इज एफ बार डॉट वी बार. तो अब यहां पे दो फोर्सेस है, तो दो पावर हो जाएंगे, पी इज पी सी प्लस पी टी विच इज एफ सी बार डॉट वी बार प्लस एफ टी बार डॉट वी बार. वॉट विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वेलोसिटी? कैन यू सी सेंट्रीपिटल फोर्स इज लाइक दिस एंड वेलोसिटी इज लाइक दिस? आर दे बोथ परपेंडिक्युलर टू ईच अदर? इफ टू परपेंडिक्युलर वेक्टर्स हो, सिंस एफ सी एंड वी आर परपेंडिक्युलर, सो एफ सी बार डॉट वी बार विल बी जीरो. एंड वट इज द एंगल बिटवीन एफ टी एंड वी? पैरेलल. सो पैरेलल का कॉस जीरो वन हो जाएगा, सो इट इज एफ टी एफ टी इंटू वी. एफ टी इज एम इंटू ए टी इंटू वी. ए टी हाउ मच इज ए टी? के आर. एंड हाउ मच इज वेलोसिटी? के टी आर. सो मेरा फाइनल इक्वेशन क्या आया? एम के स्क्वेर आर स्क्वेर टी. चेक कीजिए, एम के स्क्वेर आर स्क्वेर टी, यही इक्वेशन है. फाइनल आंसर आ चुका है. सो आपको समझ में आया? आप सीधा एफ बार डॉट वी बार नहीं कर सकते क्योंकि दो फोर्सेस हैं एंड सेंट्रिपिटल फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो. एंड एफ टी और वी दोनों पैरेलल है, पैरेलल का डॉट प्रोडक्ट विल बी ए बी कॉस जीरो विच इज ए बी. तो लगा डाला एफ टी इज एम इंटू ए टी, ए टी की जगह के आर एंड वेलोसिटी की जगह के टी आर. ऑलराइट, तो यहां पे हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर खत्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में सेंटर ऑफ मास शुरू करेंगे. सो सेंटर ऑफ मास करने के लिए बेसिक फॉर्मूला वगैरह सब देखेंगे नेक्स्ट टाइम, और सही तरीके से जेई नीट करेंगे. ओके, सो टिल दैट टाइम यू स्टे सेफ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय, टेक केयर.